सो so गाइस स्वागत है आपका ए डिफेंस अकेडमी में तो आज हम यहाँ पे जनरल साइंस के इन्वायमेंटल साइंस पोर्शन में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो कि ए सी वन थ्री वन के लिए जो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने वन थ्री टू के लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर लिया तो उसके उनके लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सो लेट स्टार्ट द वीडियो तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा द सम टोटल कंडीशन इन विच ऑर्गनिज्म लिव इज कॉल्ड वो कंडीशन यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसे क्या कहा जाता है उस कंडीशन को कहा जाता है इन्वायमेंट ठीक है ना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ए सेल्फ सपोर्टिंग कम्युनिटी प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड द नॉन लिविंग एनवायरमेंट टू प्रोवाइड ए बैलेंस सिस्टम इज ए यहाँ पे हमें पूछा गया है कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और साथ में ये इनकी इंट्रैक्शन इन्वायरमेंट के साथ भी रहती है और इस सेल्फ सपोर्टिंग कम्युनिटी को क्या कहा जाता है जिसमें ये एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करते हैं साथ में इन्वायमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं एक बैलेंस्ड सिस्टम बनाने के लिए तो इस सेल्फ सपोर्टिंग कम्युनिटी को इको कहा जाता है ठीक है तो दो क्वेश्चन हमने इसमें पढ़े फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा कि जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे सिंपली इन्वायरमेंट कहा जाता है और और वो सपोर्टिंग कम्युनिटी यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन रखते हैं और साथ ही में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन रख के एक बैलेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं उसे इको कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वर्ड इको सिस्टम वॉज काइंड बाई वर्ड वर्ल्ड इको किसने काइंड करा था तो ये काइंड करा था एजी टेंसले ने कब करा था इन 1935 में ठीक है इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इकोसिस्टम में हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं एक है वाई कंपोनेंट्स दूसरा है वाई कंपोनेंट्स ठीक है बाइटी कंपोनेंट्स आप नोट कर सकते हो बाइटी कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे हमारे लिविंग बींग्स आ गए ठीक है लिविंग थिंग्स आ गए लिविंग बींग्स आ गए जैसे एग्जांपल के लिए एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं फंजाई बैक्टीरिया ये सारे हमारे बाइटी कंपोनेंट्स में आते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं और वाइटी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स आ गई जैसे हमारे पास वाटर आ गया साइल आ गया एटमोसफियर आ गया ये सा, हमा, सारे हमारे पास एवा टी हैं तो आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट ए वाई टी कम्पोनेंट इनमें से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट नहीं है ठीक है और ऑप्शन में आपको क्या रह सकता है एनिमल्स प्लांट्स फंजाई और एटमॉस्फेयर। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे क्या इसका सही आंसर रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाई टी चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे द रीजन एग्जिस्टिंग बिटवीन टू इको सिस्टम विच कंटेन स्पीशी ऑफ बोथ इको सिस्टम तो यहाँ पे हमें पूछा है कि वो रीजन यहाँ पे दोनों इको सिस्टम्स की स्पीशी रहती हैं उस रीजन को क्या कहा जाता है उसे इकोटोन कहा जाता है ठीक है बेसिकली इकोटोन वो एरिया होता है एक बाउंड्री वाला एरिया यहाँ एक ट्रांजिशनल एरिया होता है यहाँ पे दोनों इकोसिस्टम की स्पीशीज रहती हैं दोनों इकोसिस्टम सिस्टम की कॉमन स्पीशीज रहती हैं तो उस रीजन को इकोटोन कहा जाता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्टडी ऑफ बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन्वायरमेंट के साथ जो इंट्रेक्शन रहती है उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है ठीक है और बेसिकली इकोलॉजी होता क्या है लिविंग थिंग्स और उनके सराउंडिंग भी आप बोल सकते हो कि लिविंग थिंग्स उनके सराउंडिंग की एक जो होती है उसे इकोलॉजी कहा जाता है इन शॉर्ट जो लिविंग थिंग्स और सराउंडिंग में रिलेशनशिप होता है उसे इकोलॉजी कहा जाता है ठीक है चाहे आप लिविंग थिंग्स और इनवायरमेंट में बोलो चाहे लिविंग थिंग्स और सराउंडिंग में बोलो तो उसमें जो रिलेशनशिप होता है उसे इकोलॉजी कहा जाता है बटते नेक्स्ट क्वेश्चन पे द टर्म इकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टर्म इकोलॉजी किसने कॉइंड करी थी किसने दी थी तो अर्नेस्ट हैकल ने ये टर्म दी थी इकोलॉजी 1869 में ठीक है इससे पहले हमने पढ़ा वर्ल्ड इकोसिस्टम किसने दिया था वो एजी टेंसले ने दिया था 1935 में ठीक है चीज़ों को डिफ्रेंशियट करो बिकॉज गलती नहीं करनी है आप इकोलॉजी के लिए अगर आपको पूछा कि इकोलॉजी टर्म किसने दी थी तो आप इकोसिस्टम के लिए नहीं लिख सकते कि ये टेंसले ने दी थी ठीक है इकोसिस्टम जो टर्म थी वो एजी टेंसले ने दी थी और इकोलॉजी टर्म अर्नस्ट हक्कल ने दी थी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लार्जेस्ट सॉरी लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ विथ सिमिलर क्लाइमेट साइल प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ कम्युनिटीज नोन एज वो पोर्शन है यहाँ पे सिमिलर क्लाइमेट होता है सिमिलर साइल प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ की कम्युनिटी होती है उस रीजन को उस पोशन को क्या कहा जाता है ठीक है तो उसे बायोस्फीयर कहा जाता है एक्चुअली में बायोस्फीयर होता क्या है बायोस्फीयर बना होता है अर्थ के उस पार्ट अर्थ का वो पार्ट यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है मतलब सारे इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उसे बायोस्फीयर कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता अर्थ कंटेंट्स ए थिन रीजन नोन एज द बायोस्फीयर इन विच लाइफ एग्जिस्ट द थ्री पार्टस ऑफ द बायोस्फेयर तो यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है? कि अर्थ का वो रीजन यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे तो बायोस्फीयर कहा जाता है बट बायोस्फीयर के तीन पार्ट्स हैं वो कौन कौन सा पार्ट है तो वो है एटमोसफियर हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर ठीक है एटमोसफियर क्या है एटमोसफियर आप मान सकते हो कि जिस पोर्सन में एयर है उसे हम एटमोसफेयर कहते हैं उसके बाद लिथोस्फियर क्या है लिथोस्फियर मतलब इंक्लूडिंग ऑल लैंड एरिया जितना भी लैंड एरिया है उसे लिथोस्फेयर कहा जाता है एंड नेक्स्ट हाइड्रोस्फेयर हाइड्रोस्फियर जितना भी हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं सीज ओशियंस मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उन्हें हाइड्रोस्फेयर कहा जाता है ठीक है तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया कि पार्ट्स ऑफ बायोस्फियर कौन कौन से हैं तो एटमासफियर हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फियर सॉरी हाइड्रोस्फेयर बायोस्फियर एंड लिथोस्फियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेयर ऑफ वाटर आर सेवेंटी परसेंट ऑफ द्लो ग्लोबल इज अकुपाइड बाई तो सेवेंटी परसेंट ऑफ द ग्लोबल एरिया किससे कवर होता है तो हाइड्रोस्फीयर से कवर होता है ठीक है जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो ऑफ ग्लोबल एरिया करती हैं इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ए सी सी वन थ्री वन एंड वन थ्री टू के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि एग्जाम तक आपकी दो से तीन रिवीजन बहुत ईजिली हो जाएंगी ठीक है और कोर्स में एनरोल होने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं देखो तो अगर आप कोर्स में इनरोल होते हैं आपको फुल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे ठीक है अगर आप अप्रैल न्यू बैच में इनरोल होते हैं तो फुल पीडीएफ नोट्स फर्स्टली मिलेंगे देन उसके बाद आपकी डेली लाइव क्लासेस रहेंगी रात को नौ से ग्यारह बजे तक जिसमें आपको हर सब्जेक्ट में डिटेल वे में चीज़ों को समझाया जाएगा बिकॉज हर एक चीज पी से समझ नहीं आती है लाइक मैथ रीजनिंग इंग्लिश हर एक चीज मीडिया से समझ नहीं आती है तो उसके लिए आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी साथ में आपकी रिकॉर्डेड क्लासेज रहेंगी अगर आप इन केस आप लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हैं बाद में अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे ठीक है तो एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है हमें व्हाट्सएप करना है एट वन टू जीरो सेवन फोर फाइव नाइन डबल सिक्स पर ठीक है तो हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं द करेक्स्टिक ऑफ द टाइप ऑफ एनवायरमेंट वेयर एन ऑर्गनिजम नॉर्मली लिव तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया कि वो एनवायरमेंट यहाँ पे आर्गनिज्म कंफर्टेबली रहता है तो उससे क्या कहा जाता है उसे हैबिटेट कहा जाता है ठीक है वो इन्वायरमेंट यहाँ पे आर्गनिज्म नॉर्मली और कंफर्टेबली रहता है उसे क्या कहा जाता है उसे हैबिटेट कहा जाता है या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो प्लेस यहाँ पे आर्गनिज्म अपना घर बनाता है और अपना फूड वहाँ पर एक्वायर करता है और एक नॉर्मल कंडीशन में रहता है दैट इज़ नोन एज हैबिटेट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑल द पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम इकोसिस्टम तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि डिफरेंट स्पीशीज जो एक ही इकोसिस्टम में रहते हैं डिफरेंट स्पीशीज जो एक ही इकोसिस्टम में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है उसे कम्युनिटी कहा जाता है ठीक है और कॉमन रीजन में जो रहते हैं वो इकोटोन कहा जाता है जिससे पहले जो मैंने बताया तो चीजों को डिफ्रेंशिएट करो थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनजम्स इज कॉल्ड जिसमें फ्लोरा भी आता है फोना भी आता है ठीक है मतलब जिसमें हमारे पास प्लांट्स लाइफ भी आती है एनिमल्स लाइफ भी आती है तो उन वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेजम्स को कंबाइंडली क्या कहा जाता है उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है ठीक है जिसमें डायवर्स लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इंक्लूड्स प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड वो यहां पे प्रोड्यूसर्स भी पाए जाते हैं कंज्यूमर्स भी पाए जाते हैं भी पाए जाते हैं तो उस इन्वायरमेंट को क्या कहा जाता है तो उसका सही आंसर रहेगा दैट इज बायोटिक एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे बायोटिक बायोटिकमेंट कहा जाता है ठीक है अब बायोटिक एनवायरमेंट क्या होता है बायोटिक इन्वायरमेंट हमारे पास आ गया लिविंग बींग्स यहाँ पे रहती हैं लिविंग थिंग्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं ठीक है तो ऐसे प्रोड्यूसर्स क्या है कंज्यूमर्स क्या है और डिकम्पोजर्स क्या है थोड़ा सा यहां पे हम इन शॉर्ट पढ़ लेते हैं देखो प्रोड्यूसर्स हमारे पास वो लिविंग ऑर्गिजम है जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं ठीक है मतलब कि किसी और चीज को खाते नहीं है बल्कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं ठीक है ऐसे हमारे पास ग्रीन प्लांट्स आ गए जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं ठीक है और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको खाता कौन है इन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स ठीक है तो प्रोड्यूसर्स आर रिटर्न बाई प्राइमरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन आ गए ऐसे हमारे पास डियर है ऐसे हमारे पास जिराफ है ये ग्रास को खाते हैं इसका मतलब ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं तो ये आ गए किसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स में ठीक है और नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर्स क्या कहने कहते हैं कंज्यूमर्स हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिजम है जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं ठीक है ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं ठीक है ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं ठीक है ये प्लांट्स को खाते हैं द फार्म ऑफ वेजिटेबल्स ये एनिमल फ्लैश खाते हैं तो ये आ गए कंज्यूमर्स में तो ह्यूमन बींग्स आते हैं कंज्यूमर्स में और उसके बाद है डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर्स क्या होते हैं वो ऑर्गनिज्म जो कि क्या करते हैं डेड ऑर्गनिज्म को डिकम्पोज करते हैं ऐसे बैक्टीरिया है हैफनजाई है तो यहाँ से आपके चार से पाँच क्वेश्चन यहीं से निकल रहे हैं ठीक है चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एवाटिक इन्वायरमेंट डज नॉट इंक्लूड एवाइटिक इन्वायरमेंट में क्या नहीं आता ठीक है तो में प्लांट्स नहीं आते बिकॉज आतेमेंट हमारे पास लिविंग होता है नॉन लिविंग और प्लांट्स आते हैं लिविंग में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनवायरमेंट हैज बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज वो इन्वायरमेंट जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से मॉडिफाई करा जाता है या ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा जिस इन्वायरमेंट में चेंज लाई जाती है उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक इन्वामेंट एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट क्या होता है जो इंसान द्वारा जिस जिस पे क्या करा जाता है चेंज लाई जाती है चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली ठीक है ऐसे इंसान द्वारा क्या करा जाता है ह्यूमन बींग द्वारा इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं तो ये भी हमारे पास आएगा एंथ्रोपोजेनिक इन्वॉर्मेंट में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट लाइट इनटू फूड वो ऑर्गनिज्म जो लाइट को फूड में कन्वर्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें कहा जाता है ऑटोड्राप्स ऑटोड्राप्स हमारे पास बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की मदद से वाटर की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से एंड साथ में बाकी केमिकल्स की मदद से ऐसे हमारे पास एल्गे है ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है नेक्स्ट है हमारे पास द प्लांट विच प्रोड्यूस फूड दम सेल्स थ्रू फोटोसेंसिस वो प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस तो उन्हें का क्या कहा जाता है फोटोड्रॉप्स कहा जाता है ठीक है फोटोसेंसिस फोटोड्रॉप्स photo जो तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे रिलेट कर रहे हैं तो ऐसे भी आप इनको याद कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता इको सिस्टम कंपोनेंट फीड हमें गया है कि वो इकोसिस्टम प्रोड्यूसर को भी खाता है और साथ में कंज्यूमर को भी खाता ये हमने अभी पढ़ा कि किसे कहा जाता है जो क्या करता है प्रोड्यूसर को भी खाता है और कंज्यूमर को भी खाता है लाइक like, हम बेसिकली हिट्रोट्राफ होगा क्या वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को खाएगा एनर्जी के लिए और एनिमल्स को खाएगा एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए ठीक है ऐसे हमारे पास बैक्टीरिया uh, फंजाई है ह्यूमन बींग्स हैं ठीक है थीके? तो ये किस में आते हैं हिटोड्राफ्स में बिकॉज ये प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं एनिमल्स को भी कंज्यूम uh, करते हैं तो इस कारण ये हिट्रोट्राफ्स में आएंगे तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी ईवीएस के यहां से देखो आपको श्योरली यहाँ से क्वेश्चन आपको ए सी सी वन थ्री वन एंड वन थ्री टू में देखने को मिलेंगे ठीक है और साथ ही में अगर आप कोर्स में रोल होना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं एट वन टू जीरो सेवन फोर फाइव नाइन डबल सिक्स पे एंड साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आपको डेली क्विजेस मिलेंगे रात को साढ़े नौ बजे ठीक है और अगर आप सीरियस एफर्ट्स लगाना चाहते हैं तो भैया आप अभी भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं ठीक है तो इन फ्री वीडियोज़ जो आपको यूट्यूब पर मिल रही हैं इनको भी आप रेफर कर सकते हैं इनको भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं बट अगर आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आप कोर्स में रोल हो सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच